हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, टोम्बैको मोज़ेक वायरस के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन या रिप्लिकेशन या इसका ट्रांसमिशन, कैसे ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर इन्फेक्ट करता है, तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ये टॉपिक हमने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं वायरस बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एग्जामिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं इस सेमेस्टर से, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। चैनल के अंदर आप जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई, जाकर के आप उसके अंदर वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अभी मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कैसे डिस्कवर किया गया। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन या रिप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, अभी बीएससी के एग्जामिनेशन पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे और अप्रैल तक खत्म कर दिए जाएंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आपके सेमेस्टर है, बॉटनी का नहीं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन तीनों के जितना भी आपका सेमेस्टर है, सभी सेमेस्टर के लॉन्ग क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाइए और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एग्जामिनेशन जब आता है पास में, तो अब समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमको करना चाहिए। ठीक है, अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि वायरस क्या होता है। अगर आपको वायरस के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी। आपको वायरस के जनरल करेक्टर्स पता होने चाहिए कि वायरस किस चीज से मिलकर बना होता है, वायरस आखिर है क्या, ठीक है, इसको क्यों लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक क्यों बोला जाता है। कुछ बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तब हम इसके बारे में आपको पता लगाना होगा कि टीएमवी क्या है। ठीक है, टोम्बैको मोज़ेक वायरस। तो अभी मैं थोड़ा वायरस के बारे में आपको बता देता हूं, ताकि अगर आप वायरस के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा बहुत टॉपिक में बता देता हूं। देखो, वायरस जो है वो बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल भी बोल देते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक कनेक्टिव लिंक है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे एविडेंस है या सिम्टम्स है जो कि बताते हैं कि ये एक लिविंग है। ठीक है, और कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बताते हैं कि ये नॉन लिविंग है, मतलब इसका अगर किसी जीव का क्रिस्टलाइजेशन करके उसको कई सालों तक रखा जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग को शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट सेल के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो तुरंत रिप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है, ये एक लिविंग करेक्टर है। तो ये सभी टॉपिक्स हैं वायरस रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ टीएमवी के बारे में। अब ये जो टीएमवी की खोज, आपको ऑलरेडी पता है, आपने हर जगह पढ़ा होगा, कई जगह नोट्स में भी आपने पढ़ लिया होगा, किसकी खोज, इवाइनो वस्की ने 1892 में की थी। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, अभी थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में जान लेते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखो क्या हुआ था, उन्होंने तंबाकू की जो खेत है वहां पर गए, उन्होंने देखा कि कुछ पत्तियां पर ब्राउन कलर का या हल्का सा येलो कलर का एक मोज़ेक डिजीज था। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स थे चितकबरे कलर के, पत्तियां जो है थोड़ी चितकबरी सी हो गई थी, ब्राउन सी कलर की स्पॉट्स देखे। उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे हो गया, मतलब ये पत्ती कैसे खराब हो गई। कुछ उन्होंने दूसरा प्लांट देखा तो वो थोड़ा वो हेल्दी था, मतलब उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस प्लांट की पत्तियां, जो कि इन्फेक्टेड प्लांट की जो पत्तियां थी, जो लीफ थी, उसको क्या किया, उन्होंने उन लीफ को कलेक्ट करके उसका एक रस बनाया, ठीक है, एक जूस बना करके ऐसी पत्तियों पर डाल दिया, मतलब जो हेल्दी प्लांट था जिस पर इन्फेक्शन नहीं था उस पर डाला। तो अगले दिन उन्होंने आकर देखा क्या कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, मतलब उस पर भी वो ब्राउन कलर की स्पॉट्स आने स्टार्ट हो गए थे। उन्होंने सोचा यार कि लगता है ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ, क्योंकि उस समय वायरस के बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, वायरस क्या होता है कुछ भी किसी को नहीं पता था, उस समय सिर्फ बैक्टीरिया की ही खोज थी। तो उन्होंने सोचा ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, अब उसके बाद उन्होंने काफी सारे इन्फेक्टेड लीफ को लिया, फिर दोबारा से रस का पेस्ट बना करके उसका रस जूस निकाला, उस जूस को बैक्टीरिया के जो फिल्टर होता है उससे फिल्ट्रेशन किया, तो उन्होंने बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया, बैक्टीरिया फिल्टर से बैक्टीरिया सेपरेट हो गए। अब उन्होंने उस जूस को फिर दोबारा से किसी हेल्थी प्लांट पर फिर दोबारा से उसको लगाया, ठीक है, उसकी लीफ पर, तो उन्होंने देखा कि फिर दोबारा से वो इन्फेक्शन उस पर हो गया। तो उन्होंने फिर तो उनके माइंड में आया कि लगता है कि ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं, बैक्टीरिया से भी कोई छोटा पैथोजन है जो कि इसमें डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया और फिर उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या करता था, वो आर्टिकल लिख देता था, आर्टिकल या कोई एक अपना मतलब कि वहां पर लीक करके क्या करता था, उसको
प्रकाशित कर देता था अपना पब्लिशन के द्वारा, मतलब कि कहीं से किसी भी तरीके से वो दूसरे साइंटिस्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाए ऐसे वो प्रकाशित करके उसको रोक देता था। अब क्या हुआ, 3-4 साल 5 साल हो गए उन्होंने, इवानोवस्की ने उस चीज को जो है उसको प्रकाशित कर दिया। और फिर उसके बाद स्टेनली, एक साइंटिस्ट आए स्टेनली, उन्होंने क्या किया उसको निकाला, उन्होंने देखा, उस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको पहली बार आइसोलेट किया उस, उन्होंने, और उसका नाम मतलब कि वायरस, वायरस नाम किसने रखा ये तो यहाँ पर, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले इवानोवस्की ने उसको बैक्टीरिया समझा। फिर उसके बाद उन्होंने जब बैक्टीरिया को फिल्टर कर दिया था तो फिर उन्होंने सोचा कि यार ये वायरस है, मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि वायरस है, बस उन्हें ये पता था कि कोई छोटा सा पैथोजन है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है, बैक्टीरिया से भी कोई छोटा पैथोजन है, अभी उनको ये नहीं पता था कि ये वायरस है। स्टेनले ने उसको आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद उसको क्रिस्टलाइजेशन भी किया, तो इस तरीके से उसको अच्छी तरीके से, फिर तब जाकर के जब काफी सारे वायरस की खोज होने लगी, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस की खोज होने लगी। अभी आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें थोड़ा सा, अभी मैं और भी इसके बारे में डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो टीएमवी की स्ट्रक्चर है वो कुछ रोड शेप होती है, ठीक है, नॉर्मली देखने में आपको ऐसा लगेगा, जब और भी ज्यादा आप इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब उसको हमें पता चलता है कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो आरएनए होता है, आरएनए जो होते हैं वो प्लांट पर इफेक्ट करते हैं और डीएनए जो होता है वो एनिमल पर इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे वायरस जिनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए के रूप में होता है वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, और ऐसे वायरस जिनमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए के रूप में वो एनिमल को अफेक्ट करता है, और बैक्टीरियोफेज के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस करते हैं जो कि बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है। तो अब यहाँ पर ये जो बना होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है, और प्रोटीन में इसमें आप देख सकते हैं प्रोटीन कोड, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं और इसके एक यूनिट को हम कैप्सोमेर्स बोलते हैं, अभी इसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से टीएमवी की कुछ हिस्ट्री है जो कि आपको बताना था, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हेडिंग डालेंगे अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, टोम्बैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश में नोट करें या हिंदी में नोट करें, आप हिंदी में अपने आप नोट्स बना सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले सब कुछ मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है, अब आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो टीएमवी की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो टोम्बैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, वायरस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जैसा कि जनरल करेक्टर्स में आपको पता होगा कि वायरस दो चीजों का मिलकर बना होता है, वायरस के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल है, हमने ये कहा था। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटीन है वो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं 95%, ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का जो हिस्सा है, ठीक है, इसके वेट के अकॉर्डिंग वो आरएनए इसमें 5% है और इसमें जो प्रोटीन का हिस्सा है वो 95% है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो सारे डायग्राम्स आपको निकाल कर दिखाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से लिया गया डायग्राम है, और इसमें जितनी भी लेंथ को यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब आपको यहाँ पर नोट करना होगा, ठीक है, यही इसी में हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। अब सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखें, जैसे अंगूर का गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको दिखाई स्पायरली अरेंज्ड हेलिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इस आरएनए को आप जो देख रहे हैं ये सबसे पहले आपको आपको जो दिखाई दे रहा है ये नॉर्मली आपको रोड शेप दिखाई देगा, ठीक है, ये जो टोम्बैको मोज़ेक वायरस है ये रोड शेप्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे टीएमवी से सिंपल रोड शेप्ड हेलिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ऐसी होती है। अब इसको बहुत ही और भी अच्छी तरीके से जूम करके या फिर आप कह सकते हैं एक्सरेज द्वारा जब स्टडी किया गया तो यहाँ पर देखा गया ये जो आरएनए आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे ऐसे स्पायरली अरेंज होकर के पूरा टॉप टू आप कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, ठीक है, या फिर बॉटम टू टॉप इस तरीके से स्पायरली अरेंज आरएनए होता है, ये होलो होता है, होलो मतलब समझ रहे हो, मतलब बीच में इसमें 40 एंगस्ट्रोम का गैप है, जो रॉड शेप आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच 40 एंगस्ट्रोम का गैप है, और ये जो आपको देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है आरएनए की जो स्पायरली इस तरीके से घुमावदार है, हेलिकल है जो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ये नीचे से लेकर यहां तक के ऐसे हेलिकल है, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इतना दिखाया गया है तो इतना ही होगा, ये जो आरएनए है पूरा नीचे तक के है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो दो चीजें अभी आपने देखा कि आरएनए और प्रोटीन, अब यहाँ पर हमने आरएनए के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, अभी तो हमें इतना पता चला है कि आरएनए इसमें इस तरीके से अरेंज्ड होता है और ऊपर से लेकर के नीचे तक के या फिर नीचे से ऊपर तक आप बोल सकते हैं। अब और भी इसमें बातें हैं, जैसे कि आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, तो सिंपल सी बात है इसमें जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और कितने न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है, लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है,
ठीक है। अब इसमें यहीं पर अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटीन इसको हम बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक की इसको हम बोलते हैं प्रोटीन कोट, ठीक है, या फिर कैप्सिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नोट करेंगे, इसको हम प्रोटीन कोट बोलते हैं या फिर कैप्सिड भी बोलते हैं। अब यहां पर ये जो कैप्सिड है इसकी जो सबसे स्मॉल यूनिट है, मतलब कि यहाँ पर जो ये अंगूर का गुच्छा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसका एक एक पार्ट अगर आप निकाल कर देखो, जैसे ये है, इसको हम बोलेंगे कैप्सोमियर, सबसे स्मॉल यूनिट जो होती है इसकी उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। ये जो अंगूर का एक गुच्छा, एक अंगूर तोड़ दो तो उसमें उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि इसमें टोटल को तो हम बोलेंगे कैप्सिड, ये जो सभी के सभी गुच्छे को हम क्या बोलेंगे कैप्सिड, लेकिन एक तो एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे कैप्सोमियर। अब ये जो कैप्सोमियर है इसको हम प्रोटीन सब यूनिट कहते हैं, और ये जो है इसकी संख्या लगभग 2130 होती है, ठीक है, 2130 या फिर आप कह सकते हैं 2130, ठीक है, इसका जो नंबर होता है 2130 होता है, ठीक है, इसको हम सब यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो एक सब यूनिट जो होता है आपको दिखाई दे रहा है जो कैप्सोमियर होता है, ये 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। रिमेंबर गाइज, केमिस्ट्री जूम वाले चैनल पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, सबसे पहले वहां पर मैंने बताया है कि अमीनो एसिड क्या है, और अमीनो एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियर, मतलब कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिल करके क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर किसकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो प्रोटीन का सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को कहा जाए तो किसके पॉलीमर है, अमीनो एसिड के पॉलीमर है, तो इसीलिए यहाँ पर नोट किया गया है कि ये 158 अमीनो एसिड्स का मिलकर बना होता है, ये जो कैप्सोमियर है 158 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसकी अगर आप लेंथ की देखें, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक के लेंथ को देखें तो 300 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, ठीक है, प्रोटीन कोट एंड इसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखते हैं तब आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो बीच में इसका जो होलो, मैंने जैसा कि मैंने बताया कि बीच में 14 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है, जिसको इसको हम बोलेंगे सेंट्रल कोर, ठीक है, ये इसका कहलाएगा सेंट्रल कोर, और ये इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि ब्लू लाइन में सर्कल में दिखाई दे रहा है, और ये है इसके कैप्सोमियर्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नीचे से अगर आप इसका जैसे यहां से यहां तक है, ठीक है, ये यहां से यहां तक के या यहां से यहां तक के कुछ भी कह सकते हो, इसमें इसका जो 180 एंगस्ट्रॉम डायमीटर में होता है, ठीक है, इसका जो व्यास आप देख रहे हैं 180 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे अब यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, ये तो आपने डायग्राम देखा, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, अब यहाँ पर आप नोट करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि दामित्री इवानोवस्की, जो कि एक रशियन बोटेनिस्ट या फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो इसको डिस्कवर किया, ठीक है, दामित्री इवानोवस्की। तो यहां से नोट करेंगे, टीएमवी इज ए सिंपल रोड शेप्ड हेलिकल वायरस कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, इसमें सेंट्रल में प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। द रोड इज कंसीडर्ड टू बी 3000 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ एंड अबाउट 180 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट, द प्रोटीन कोट इज टेक्निकली कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोट को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, नॉर्मली क्या बोलेंगे कैप्सिड, और एस्टिमेटेड 2130 या 2113 सब यूनिट्स नेमली कैप्सोमियर, मतलब कि ये जो है 2130 सब यूनिट्स या कैप्सोमियर्स का बना होता है पूरा कैप्सिड, अंडरस्टैंड। उसके बाद द सेंट्रल कोर ऑफ द रोड इज अबाउट 14 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, जैसा कि मैंने बताया इसका जो सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के यहाँ पर मैंने बताया कि वो होता है लगभग 40 एंगस्ट्रॉम का होता है। इच कैप्सोमियर इज ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, अंगूर के गुच्छे की तरह इसका जो कैप्सोमियर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एंड कंटेनिंग अबाउट 158 अमीनो एसिड, 158 अमीनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है, मोलिकुलर वेट उसका कितना होता है 17,000 डाल्टन। उसके बाद द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन ऑफ अबाउट 6,500 टू आप कह सकते 6,500 से 7,300 न्यूक्लियोटाइड, एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल अबाउट
15,000 डाल्टन, ठीक है, सॉरी 25,000 डाल्टन, ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। अगर आपको नॉर्मली इसको मेन पॉइंट जो कि आपको याद करना है, ठीक है, वो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि ये जो है रॉड शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और आपको इसके वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 95% इसका हिस्सा होता है प्रोटीन का बना होता है और 5% आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेंथ इसकी होती है 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 300 एंगस्ट्रॉम का लेंथ होती है इसकी। टीएमवी जो होता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आप पॉइंट लिखे गए हैं ये थोड़े हट के पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको काफ़ी एक जैसे कि एग्जामिनेशन पेपर की अगर आप बड़े अच्छे लेवल की तैयारी करें वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। टीएमवी में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटीन है डाइसल्फाइड बॉन्ड उसके अंदर अब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब कि अलग अलग तरह के, मैंने दिखाया था कि इसमें इस तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर, जब वहाँ पर हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वॉन्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था केमिस्ट्री जूम वाले चैनल पर, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो वहाँ पर जाकर के पूरी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। तो 95% प्रोटीन, यहाँ तक हम यहाँ पर थे कि टीएमवी के जो प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड एब्सेंट होता है, और इसमें जो एमिनो एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो एमिनो एसिड एसिटिलाइटेड सेरीन, ठीक है, एसिटिलाइटेड सेरीन एमिनो एसिड जो होता है वो एन टर्मिनल होता है, और थ्रियोनिन जो होता है इसमें एमिनो एसिड, थ्रियोनिन एमिनो एसिड सी टर्मिनल होता है। अब आपको माइंड में आ रहा होगा ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल क्या है, तो देखो एमिनो एसिड जो होते हैं वो दो ग्रुप से, अमीनो एसिड के अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो एमिनो ग्रुप जिसको हम NH2 ग्रुप कहते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको, देखो ये अमीनो ग्रुप है एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में ये दोनों ग्रुप्स पाए जाते हैं। अगर NH2 ग्रुप फ्री है एक तरफ, ठीक है, क्योंकि एक आप देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के सीक्वेंस में, ठीक है, एमिनो एसिड में बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के एक सीक्वेंस में, एक लाइन में, एक क्रम में, अगर आप एक तरफ NH2 ग्रुप फ्री है तो उसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल, अगर दूसरी तरफ सी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है उसको हम बोलेंगे सी टर्मिनल। अब वो किस एमिनो एसिड का फ्री है वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर थ्रियोनिन का फ्री है सी टर्मिनल पर, थ्रियोनिन एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फ्री है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एमिनो एसिड में दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको अमीनो एसिड की पूरी स्ट्रक्चर की बोर्ड पर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आरएनए प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है ये जो आरएनए है वो 3 न्यूक्लियोटाइड इच प्रोटीन सब यूनिट एड, मतलब ये जो प्रोटीन का सब यूनिट जिसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर अटैच है, ये पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद एक बात और यहाँ पर नोट करना है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोम्बैको मोज़ेक वायरस जो होता है उसकी स्ट्रक्चर में हम मेनली क्या देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है और प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, तो इसकी कैप्सिड से इस आरएनए को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, और अलग होने के बावजूद ये जो आरएनए है ये इन्फेक्शियस नेचर का होता है, ये इन्फेक्ट किसी भी प्लांट पर कर सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने नोट कर ली हैं, इसको आप फटाफट नोट करें या स्क्रीनशॉट करें। अब हेडिंग डालना है आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ या रिप्लीकेशन ऑफ टीएमवी। प्यारे दोस्तों हेडिंग डालेंगे रिप्लीकेशन ऑफ टोम्बैको मोज़ेक वायरस या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोम्बैको मोज़ेक वायरस, इसका रिप्लीकेशन कैसे होता है या ट्रांसमिशन कैसे होता है अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये जो डायग्राम तब बनाना है जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस, ठीक है, टीएमवी वायरस का अगर मल्टीप्लीकेशन पूछा जाए तब ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये डायग्राम आपको किसी सोल्ड पेपर या मॉडल पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए टीएमवी का क्रिप्टोग्राम, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि टीएमवी के क्रिप्टोग्राम के बारे में लिखे, तो 90% केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि टीएमवी का क्रिप्टोग्राम हमने नहीं पढ़ा है, ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। आउट ऑफ सिलेबस कैसे आया, आपने जब सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो आउट ऑफ सिलेबस आप कैसे कह सकते हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना है, क्योंकि बीएससी की जो बुक्स है उसको आपने नहीं पढ़ा, उसका सिलेबस आपने नहीं देखा। आप लोग फॉलो करते हो मॉडल पेपर नोट्स को, सोल्ड पेपर को फॉलो करते हो, तो उसमें नहीं मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से बताना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले रिप्लीकेशन ऑफ टीएमवी में, इस देखो इसका जो रिप्लीकेशन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है।
स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड। देखो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो या तो टूल्स की वजह से, जैसे कोई किसान वगैरह जो खेती करते हैं तंबाकू की जो खेती करते हैं उसमें जो टूल्स यूज करते हैं उसकी वजह से ट्रांसमिट हो जाए, इधर से एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्थी प्लांट तक चला जाए वायरस। या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है, मोस्टली जो वायरस का इन्फेक्शन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। जो कोई भी इंसेक्ट अगर जाएगा, ठीक है, सपोज करो, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, जैसे कोई इंसेक्ट गया किसी इन्फेक्टेड प्लांट पर और उसको उसका रस चूसने के लिए, ठीक है, उसके रस को सक करने के लिए जैसे ही जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उसकी जो वायरस है, वायरस का पार्टिकल उसकी सेलिवा में जाकर के अटक जाएगा, ठीक है, उसकी सेलिवा पर जाकर अटैच हो जाता है। अब जैसे ही वो किसी हेल्थी प्लांट का रस चूसक करने जाएगा, उसकी सलीवा से जो भी वायरस पार्टिकल है वो दूसरे स्वस्थ प्लांट जो कि हेल्दी प्लांट के सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर भी ट्रांसमिशन हो गया। तो मोस्टली इंसेक्ट के द्वारा, कुछ टूल्स के द्वारा, एयर के द्वारा भी हो जाता है ट्रांसमिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट में ग्रास होपर, ठीक है, तिलचट्टा, इसको टिड्ढा भी बोलते हैं, ग्रास होपर भी बोलते हैं। तो ये जो है ये ट्रांसमिशन ज्यादा, मतलब कि ट्रांसमिशन में इस वायरस का जो ट्रांसमिशन है इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे तो होता है इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के कितने आइडिया बताए मैंने, एक तो टूल्स के द्वारा और एक दूसरा इंसेक्ट के द्वारा, एक एयर द्वारा, इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। अब ये तो बात थी कि ट्रांसमिटेड हो गया, अब आगे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन या रिप्लीकेशन कैसे होगा, तो ये आप ध्यान से देख लें स्टेप टू में। देखो होस्ट सेल में जैसे ही टीएमवी का इन्फेक्शन होगा तो अब ये क्या करेगा, प्रोटीन कैप्सिड ऑफ वायरस सेपरेट। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि ये दो चीज का बना होता है, एक आरएनए का, मतलब कि एक न्यूक्लिक एसिड, एक प्रोटीन। तो वो जो कैप्सिड है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ जो कैप्सिड है, वो सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, और आरएनए अब फ्री हो गया। अब जो उसका जो आरएनए है वो फ्री हो गया, अब वो आरएनए फ्री होकर के वो एंटर करता है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है और उसको कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, और यहाँ डायग्राम में भी मैं आपको समझाऊंगा, भी ये तो थोड़ा सा आउटलाइन है। अब देखो क्या होगा, जैसे उसको कंट्रोल करेगा, अब होस्ट सेल एंजाइम, होस्ट सेल के अंदर जो एंजाइम्स है, जैसे कि पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, उसके आरएनए के जो एंजाइम्स हैं, पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए सिंथेसिस एटसेट्रा, इनका क्या करेगा, इन एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है, आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, मतलब कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होगा, अब वो बन जाएगा, बिकम डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड वायरस आरएनए कॉपीज फ्रॉम, मतलब कि वो इसकी कॉपी बनाएगा और फिर उसके बाद उसके जो न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है, पहले न्यूक्लियस के अंदर था, सब न्यूक्लियस के अंदर से कंट्रोल कर रहा था, वो जो कॉपीज है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। अब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म में जो वायरस मैसेंजर आरएनए की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इसका जो बिहेवियर होता है वो मैसेंजर आरएनए की तरह होता है। अब ये विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड जो सेल के अंदर जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है, उस एमिनो एसिड की हेल्प से ये होस्ट के राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो एक तो कुछ, मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट ने, अगर आपको कोई कहे कि टीएमवी का जो रिप्लिकेशन है वो कैसे होता है, मतलब इसका प्रॉपर आइडिया कोई नहीं बता पाया, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में परफेक्ट कोई नहीं बता पाया। बस ये सब जो है, इन सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग मत दिए है कि कोई कहता है कि ऐसे एंटर करता है, कोई कहता है कंप्लीटली हाईजेक कर लेता है सेल को, ठीक है, तो कई जनों ने अलग अलग तरीके से कंसेप्ट दिए हैं, तो इस पर ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसको ध्यान से जरा देखें। सो आई होप अब आपको यहां पर डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा हो। अब देखो क्या होता है, नंबर ए यहां से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, ये जो आपको सेल दिखाई दे रहा है यहां से स्टार्टिंग, ये होस्ट सेल है, ठीक है, मतलब कि जो हेल्थ, मतलब कि होस्ट सेल का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस जो कि अभी हेल्थी है लेकिन उसके अंदर वायरस का ट्रांसमिशन हो गया। देखो ये है वायरस, ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये जो वायरस है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में जो आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये शो कर रही है वायरस को, ठीक है, वायरस के पार्टिकल को, समझ में आया। अब ये जो जैसे ही इसकी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, अब ये क्या करता है, अब मैंने जैसे कि बताया कि अपना जो कैप्सिड होता है, ये प्रोटीन जो कैप्सिड होता है वो उसको उतार देता है, हटा देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे डीजनरेट वायरल कैप्सिड, मतलब इसकी जो वायरल की जो कैप्सिड है वो डीजनरेट हो जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। अब जो इसका जो आरएनए होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो इसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है, किसके न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके उसे कंट्रोल करता है।
अब जैसे ही वो कंट्रोल करेगा तो अब ये क्या करेगा, उसकी कॉपीज बनाएगा, मतलब वहां पर रिप्लिकेशन करके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिप्लिकेटिव आरएनए, एक नया आरएनए स्टैंड बन गया है जिसको हम बोलेंगे रिप्लिकेटिव आरएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड बन चुका है। अब क्या होगा, ये मतलब कि नए वायरल वायरल के नए स्ट्रैंड्स और भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के पार्टिकल्स को या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रैंड्स को बहुत सिंथेसिस करता है। देखो जैसे एक से चार, चार से पाँच, छः से, इस तरीके से पूरी सेल के अंदर इसका आरएनए पार्टिकल का सिंथेसिस कर देता है। अब ये जो इसके अभी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो आरएनए के स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब ये जो है ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम और ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये राइबोसोम, ये मैसेंजर आरएनए। अब राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड की हेल्प से, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन, अब ये इसकी हेल्प से जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब देखो जैसे प्रोटीन बना लेगा तो ये देख सकते हैं नंबर, ये डायग्राम देखें, ये है ए प्रोटीन सब यूनिट और कैप्सोमियर का निर्माण हो चुका है। अब क्या होगा, ये देख रहे हैं ये है कैप्सोमियर, ये जो रेड रेड कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है ये कैप्सोमियर है, और यहाँ पर देखेंगे कंप्लीटली फाइनली एक डायग्राम आपको ऐसा बनाना है जिसमें दिखाना है कि पूरा एक जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर वायरल का पार्टिकल्स का सिंथेसिस हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वायरस का पार्टिकल है, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, इस चीज को, और ये है होस्ट सेल का न्यूक्लियस। सो आई होप आपको यहाँ पर लाइफ साइकिल समझ में आ गया हो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लाइफ साइकिल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी अभी कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, ठीक है, परफेक्टली कोई नहीं कह सकता कि इसमें रिप्लिकेशन कैसे होता है, तो इसको नोट करें। टीएमवी जो होता है वो ज़्यादातर क्या करता है, किसमें डिजीज कोस करता है, डाइकोटिलीडन्स में, ठीक है, ये मोस्टली डाइकोटिलीडन्स में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है, मोनोकोटिलीडन्स में बहुत ही कम। तो अब यहाँ पर इसको नोट कर लें, यही है लाइफ साइकिल और स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।